एनसीईआरटी सॉल्यूशन फोर क्लास 11th एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 13 फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 0,0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सिस। तो कुछ स्टूडेंट्स हमको इसमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें गिवन है। इसमें देखो ये हमारे एक्सिस हो गए, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और हमारा जो सर्कल जो जा रहा है यहाँ से बन रहा है ऐसे, ये हमारा सर्कल, ठीक है, ये 0,0, ये जो डिस्टेंस है हमारा यहाँ से इतना ये ए होता है और ये जो डिस्टेंस है इतना ये हमारा बी है, ठीक है, और ये हमारा रेडियस हो गया, ठीक है। हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है, ये हमारा रेडियस हो गया, तो हमारे इसके जो कोऑर्डिनेट हो गए ये हो गया ए और ये 0 और इसके हो गए हमारे 0,b, ये हमारे इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे क्योंकि ये डिस्टेंस इसको ए इतने इस डिस्टेंस को ए कहते हैं और इस डिस्टेंस को बी और ये हमारा जो सर्कल पास हो रहा है ओरिजिन से पास हो रहा है 0,0 से, ठीक है। हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए अब इसको तो हम मान लेते हैं ओ। अब देखो ये हमारा हमने इसको इससे मिला दिया तो ये क्या हो गया हमारा रेडियस ऑफ सर्कल हो गया, ठीक है, ये हमारा रेडियस ऑफ सर्कल हो गया और हमारे जो सेंटर के जो पॉइंट है यानी कि वो ये हो गए हमारे, इनको मान लेते हैं हम, इसको हम एम से एम मान लेते हैं एम, ठीक है। हमारे जो ये हो जाएंगे यानी कि हमारा जो सेंटर हो जाएगा वो यानी कि मान लिया हमने एच कॉमा के, ये हमने सेंटर मान लिया एम को, एच कॉमा के ये हमने इसको सेंटर मान लिया, क्लियर। अब देखो हम ये एच कॉमा के कैसे निकालेंगे, इसके नाम दे दो, ये हो गया हमारा ए मान लो, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। अब ये देखो ये क्या है, सर्कल का डायमीटर है और ये सर्कल का रेडियस है। अगर ये सर्कल का रेडियस है तो ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे हमारे, तो हम सेंटर कैसे निकालेंगे, सेंटर एच कॉमा के ये निकल जाएगा हमारा मिड पॉइंट से, देखो ये हो गया हमारा ए प्लस ये जी बाय टू इक्वल टू क्या आ गया ए बाय टू, एक निकल गया ये और सेकंड ये इनकी 0 प्लस बी बाय टू, ये आ गया हमारा बी बाय टू, यानी कि जो हमारे सेंटर है वो ये आ गए इक्वेशन के, ठीक है। अब हमें निकालना है रेडियस। इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए हमारे पास सेंटर तो आ गए ए बाय टू और बी बाय टू और उसके लिए हमें रेडियस की भी जरूरत पड़ती है, तो रेडियस हम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लेंगे। देखो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस बन रहा है तो हम रेडियस निकालेंगे, रेडियस हो जाएगा हमारा यानी कि ओ एम, तो रेडियस किसके इक्वल होगा हमारा बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला होता है हमारा एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, इससे हम रेडियस निकाल लेंगे, देखिए रेडियस ओ एम ये आ जाएगा हमारा x2 होगा हमारे इसमें देखो x1 x2 y1 और ये y2, तो ये हो गया हमारा x1 x2 क्या है हमारा x2 यानी कि ये h हमारा कितना रहा a by 2, तो ये हो गया हमारा a by 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद प्लस ये b by 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया हमारा a बाय टू का होल स्क्वायर b बाय टू का होल स्क्वायर, अब इसको सॉल्व करो ये आ गया हमारा a स्क्वायर बाय 4 b स्क्वायर बाय 4, तो ये क्या हो गया 4 हमारा एलसीएम आ गया, तो ये आ गया हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आ गया हमारा रेडियस, हमारे पास रेडियस भी आ गया यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 4, ये हमारा रेडियस आ गया, ये हमारा रेडियस आ गया। अब हमें क्या करना है, रेडियस भी निकल गया, अब हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ सर्कल। देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है हमारी, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। देखो ये हो गया एक्स, एच कितना है हमारा ए बाय टू का स्क्वायर प्लस वाई और के क्या है हमारा के बी बाय टू का होल स्क्वायर और आर क्या है, आर मैंने अभी निकाला था, आर आ गया हमारा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं,
देखो इसको ये हमारा इस फॉर्म में लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, तो तुम सबको पता है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा यानी कि x एक्स के माइनस टू ए कितना हो गया हमारा a बाय टू और टू ए बी, टू ए बी ए रहा बी रहा यानी कि हो जाएगा हमारा टू ए बी एक्स प्लस बी कितना है हमारा a बाय टू, ए बाय टू का स्क्वायर ये हो गया, प्लस इसी तरीके से इसको कर लेंगे ए स्क्वायर माइनस टू ए कितना है हमारा y, b कितना है हमारा b बाय टू प्लस b कितना है b बाय टू का होल स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद में r, r हमारा क्या है a स्क्वायर b स्क्वायर, ये b स्क्वायर है बाय फोर का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आएगा यानी कि a स्क्वायर टू से टू कट गया, इसमें टू से टू कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया हमारा ए एक्स प्लस ए स्क्वायर बाय फोर, इसी तरह ये बी स्क्वायर माइनस क्या बचा बी वाई प्लस बी स्क्वायर बाय फोर इक्वल टू रूट से, इस रूट से रूट कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आ गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय फोर, क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको हम लिख लेते हैं हम इस तरह एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए एक्स माइनस बी वाई प्लस ए स्क्वायर बाय फोर प्लस b स्क्वायर बाय फोर इक्वल टू ए स्क्वायर b स्क्वायर बाय फोर, ठीक है। अब क्या करते हैं हम इसमें ले लेते हैं ये 4 LCM आ गया, इसको इससे इंटू करेंगे कितना आ गया 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर 4ax माइनस 4by प्लस 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया कितना बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय फोर, ठीक है। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो अब यहाँ पे हमारा क्या बचा, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे आ गया हमारा यहाँ पे बचा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4ax माइनस 4by प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस, प्लस का है तो इधर आके माइनस, a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, ये हमारा आ गया 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4ax माइनस 4by इक्वल टू जीरो, ये आ गया हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब देखो हम इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें हम देखो ये 4 4 4 4 कट गए सारे कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बचा यहाँ पे x स्क्वायर y स्क्वायर ax माइनस बी वाई इक्वल टू जीरो, जी आगे हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, यही हमें फाइंड करना है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, एक्सरसाइज 11.1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 2, 2 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, 5। देखो इसमें हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है, इसमें हमें सेंटर जो गिवन है, सेंटर गिवन है 2, 2 और पासिंग पॉइंट दे रखा है 4, 5, ठीक है। ये हो गया सर्कल और ये हो गया हमारा सेंटर O और ये हो गया हमारा रेडियस, ठीक है। और हमारा जो सेंटर जो दे रखा है ये दे रखा है 2, 2 और पासिंग पॉइंट जो दे रखा है ये दे रखा है हमें 4, 5, इसको हम मान लेते हैं A, क्लियर। अब देखो हमें सेंटर ऑफ सर्कल क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल यानी कि एच कॉमा के ये गिवन है हमें 2, 2, ठीक है, ये सेंटर ऑफ सर्कल हो गया और पासिंग पॉइंट हो गया हमारे 4, 5। हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए एच और के और रेडियस की जरूरत पड़ती है, देखो रेडियस हमारे पास नहीं है, एच हमारे पास है और के भी हमारे पास है यानी कि सेंटर भी हमारे पास है, तो रेडियस कैसे निकालेंगे, ये रेडियस निकालें, रेडियस होगा हमारा ओ ए के इक्वल, तो ओ ए किसके इक्वल होगा बाय डिस्टेंस फॉर्मूले से, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारा एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ये होगा हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। और ये ओ ए क्या है हमारा, रेडियस है, रेडियस हो जाएगा हमारा एक्स टू
x1 x2 y1 y2। तो x2 क्या होगा हमारा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y2 क्या होगा 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो रेडियस हो गया हमारा, निकालते हैं यहाँ पे क्या बचा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा 4 और ये 9 इक्वल टू 13, ये आ गया हमारा रेडियस, ये निकल गया हमारा रेडियस। हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है होता है, देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। x h क्या है हमारे पास 2, h क्या है हमारे पास 2, तो ये 2 का स्क्वायर प्लस y k क्या है, k भी हमारे पास 2 है होल स्क्वायर, और r क्या है हमारे पास, तो 13 का ये होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करेंगे हम क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इसी तरह y माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, रूट से रूट कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 13 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 4, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का 13 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ गया हमारा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस माइनस माइनस, तो कितना बचा 13 में से, अच्छा हमारा देखो ये एक 4 ये ना और 4 ये 8 होगा हमारे पास, ये 8 हो जाएगा ना, ये 4 और ये 4 8, तो 13 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या बचा 5, माइनस 5 बचा, बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का साइन आएगा। तो ये आ गया हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल, यही हमें फाइंड करना है।